हेलो दोस्तों, एक्सप्लेन विद दीप में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लेटेस्ट साइंस फिक्शन मूवी सिमुलेंट। यह पूरी फिल्म फ्यूचर पर आधारित है। इस कहानी की शुरुआत में हम फे और इवा नाम के एक कपल को देखते हैं, जहां वो दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं। इन लोगों के पास अपना खुद का एक रोबोट है, जिसे सिमुलेंट कहा जाता है। इवान को हर रात सोते टाइम एक सपना आता है कि वह अपनी फैमिली के साथ बाहर घूमने के लिए जाता है, लेकिन ध्यान भटकने की वजह से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वह नींद से उठ जाता है। यह सपना उसे हर रात तंग करता है। इवान की पत्नी फे, जो कि एक आर्टिस्ट है, पेंटिंग बनाने का काम करती है। इवान यह सारी चीज अपनी पत्नी को बताता है कि मुझे हर रात एक ही सपना आता है और इस सपने में मेरे साथ आगे क्या हुआ था मैं कुछ नहीं जान पाता। लेकिन फे इस सपने के बारे में बात नहीं करना चाहती और ना ही इवान को इसके बारे में कुछ बताना चाहती है। वहीं AICE कंपनी के अंदर हम कैसलर नाम के एक इंस्पेक्टर को देखते हैं, जो इन सारे सिमुलेंट पर नजर रखे हुए है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोई भी इंसान इन रोबोट्स के साथ गड़बड़ी करे। दरअसल नेक्सेरा कंपनी ने इन रोबोट्स को इस तरह डिजाइन किया हुआ है कि ये रोबोट्स हमेशा चार नियमों का पालन करेंगे। पहला ये कि ये किसी भी ह्यूमन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दूसरा नियम ये कि ये हमेशा अपने मालिक का कहना मानेंगे। तीसरा ये कि ये रोबोट्स दूसरे रोबोट्स को कभी ठीक नहीं कर सकते। और चौथा नियम ये कि ये रोबोट्स कभी भी रूल को नहीं तोड़ेंगे। कैसलर को यहाँ पर एक रोबोट नजर आती है, जो पिछले 3 सालों से भी ज्यादा समय से बंद पड़ी है, यानी किसी इंसान ने उसके साथ छेड़छाड़ की है। इसीलिए कैसलर अपनी टीम के साथ वहाँ पर चला जाता है, जहाँ पर वह रोबोट रहती है। इस रोबोट का नाम एस्मे होता है। कैसलर जब उसके घर पर जाता है तो वह एस्मे को एक स्पेशल गन की मदद से पावर ऑफ करने की कोशिश करता है, लेकिन वह नाकाम रहता है। एस्मे वहाँ से किसी तरह भाग जाती है। कैसलर यहाँ से एक खंभे के पास जाता है और एक बंदूक की मदद से इलेक्ट्रॉनिक्स को रोक देता है। इलेक्ट्रॉनिक्स रुकते ही जितने भी रोबोट्स होते हैं वो सारे एक जगह पाउस हो जाते हैं, और इस तरह से एस्मे भी पाउस हो जाती है और कैसलर उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है। कैसलर इन रोबोट को लेकर इतना सतर्क इसलिए भी होता है क्योंकि काफी साल पहले एक रोबोट ने उसके बच्चे को मार दिया था, इसलिए वह नहीं चाहता कि यह घटना किसी और के साथ हो। खैर, कैसलर इस सिमुलेंट को पकड़कर एस्मे के घर पे जाता है और उसकी छानबीन करता है, लेकिन तभी यहीं पर कैसी नाम का एक लड़का आता है और वह कैसलर से बोलता है कि मैं तो एस्मे का पड़ोसी हूँ और मैं यहाँ पर अक्सर चीजों की अदला बदली करता रहता हूँ। कैसलर बताता है कि वो एक सिमुलेंट है। कैसी यह सुनकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसे तो लगता था कि एस्मे एक लड़की है। खैर, कैसी यहाँ से चला जाता है। कैसलर को यहाँ पर पेंटिंग और डायरी मिलती है, इन्हें लेकर वह एस कंपनी के ऑफिस में आ जाता है। यहाँ पर एस्मे के सिमुलेंट की चिप को निकाला जाता है और कंप्यूटर में डालकर देखा जाता है, तो कैसलर को पता चलता है कि एस्मे के अंदर फीलिंग्स आ चुकी थी और जो लड़का एस्मे का पड़ोसी था, यानी जिसका नाम कैसे था, एस्मे उसी लड़की से प्यार करती है। लेकिन कैसलर को अभी भी यह पता नहीं होता कि आखिरकार इस सिमुलेंट को हैक किसने किया है। दरअसल नेक्सर कंपनी ने बहुत सारे जनरेशन के रोबोट बनाए थे और फिलहाल वह कंपनी 6th और 7th जनरेशन के रोबोट्स पर काम कर रही है। ये रोबोट कुछ इस तरह के होंगे जिन्हें कोई भी नहीं बता पाएगा कि यह इंसान है या सिमुलेंट है। लेकिन 6th और 7th जनरेशन के रोबोट आने से पहले ही एस्मे के अंदर प्यार की फीलिंग आना, ये कैसलर के लिए एक अजीब बात थी। इसलिए कैसलर अपने पास जो डायरी होती है उसे लेकर वहाँ पर जाता है जहाँ से यह डायरी खरीदी गई थी। साथ ही एस्मे द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग भी यहाँ के शॉपकीपर को दिखाता है। शॉपकीपर बोलता है कि इस आदमी का नाम कैसे है, लेकिन तब तक कैसे भी इसी शॉप पे आ जाता है और कैसलर कैसे को पकड़ने की नाकाम कोशिश करता है। कैसे किसी तरह से भाग जाता है। इवान भी बिल्कुल परेशान हो चुका है, उसे समझ नहीं आता कि उसकी जिंदगी एक जगह पर क्यों अटकी हुई है। इसीलिए वह फे से बात करने के लिए जाता है, जो शावर ले रही थी। फे इवान को शीशे के सामने खड़ा करती है और यहाँ पर इवान को पता चलता है कि वह खुद भी एक सिमुलेंट है, जो इवान की तरह दिख रहा है। फे बताती है कि जो ओरिजिनल इवान था वो एक कार एक्सीडेंट में मारा गया था, इसीलिए मैंने नेक्सर कंपनी से तुम्हारा क्लोन मांगा। साथ ही फे इवान को एक कमरे के अंदर लेकर जाती है, जहाँ पर फे की तरह दिखने वाला एक सिमुलेंट होता है और वह बताती है कि जब मैं मर जाऊंगी तब यह सिमुलेंट जिंदा हो जाएगी और हमारा प्यार इसी तरह आगे चलता रहेगा। इवान बोलता है कि यह सब मेरे लिए विश्वास कर पाना मुश्किल है, अगर मैं इंसान नहीं हूँ तो मुझे हर रात एक ही सपना क्यों आता है। फे को भी यह बात समझ में नहीं आती क्योंकि जब कोई सिमुलेंट तैयार किया जाता है तो उसकी पुरानी यादों को डिलीट किया जाता है और इवान की यादें अब तक डिलीट नहीं हुई हैं। फे यहाँ पर कैसे को बुलाती है क्योंकि वह AI रोबोट के बारे में अच्छे से जानता है। फे बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि आप इसकी यादों को डिलीट कर दें। कैसे ऐसा ही करता है, वह इवान की यादों को डिलीट कर देता है। कैसलर भी यहाँ से नेक्सर कंपनी की एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट के पास जाता है, जिसका मिचिको नाम है, और वह सारी सिचुएशन को बता देता है कि किस तरह से एक सिमुलेंट को हैक किया गया है। मिचिको के लिए ये थोड़ी अजीब बात है। तब मिचिको यहाँ पर हान नाम के एक साइंटिस्ट के बारे में बताती है, जो नेक्सर कंपनी में काम किया करता था। वह बताती है कि जब नेक्सर कंपनी 6th जनरेशन के रोबोट्स बना रही थी, तब हान ने हमसे कहा था कि हमें इन रोबोट्स के अंदर फीलिंग्स को डाल देनी चाहिए ताकि ये रोबोट इंसानों की तरह सोच सकें और फैसले ले सकें, क्योंकि उसे यह लग रहा था कि इंसान इन रोबोट को नौकर के रूप में काम ले रहे हैं और उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए उसने इस कंपनी से रिजाइन दे दिया था। और शायद इन रोबोट्स को हैक करने का काम उसी का हो सकता है।
फेबी इवान को एक होटल में ले आती है ताकि उसके अंदर कुछ नई यादें आ सके, और वह इवान को यहाँ पर अकेला छोड़कर खुद घर पर चली जाती है। इवान के पास तभी कैसे आता है। इवान कैसे से बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मैं इंसान हूँ या रोबोट, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसे बोलता है कि मेरे पास एक ऐसी तकनीक है, मैं तुम्हें इंसान की तरह बना सकता हूँ, और जब तुम्हारा मास्टर तुम्हें टर्न ऑफ करेगा तो तुम टर्न ऑफ नहीं होगे। इवान इस चीज के लिए एग्री हो जाता है और कैसे इवान की चिप को निकाल कर उसे सेम इंसान की तरह बना देता है। अब अगर कोई इवान को कमांड देगा कि वह टर्न ऑफ हो जाए तो इवान टर्न ऑफ नहीं होगा। कैसे इवान को लेकर पार्टी के अंदर जाता है, जहाँ कैसे इसमें की तरह दिखने वाली एक सिमुलेंट से मिलता है और उसे बोलता है कि हम अपने प्लान में कामयाब हो रहे हैं। तब ये दोनों यहाँ से पार्किंग एरिया में जाते हैं और वहाँ से नेक्सार कंपनी के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट को उठा लेते हैं और इस साइंटिस्ट की नेक्सार आईडी की मदद से दुनिया में मौजूद सारे रोबोट्स को आजाद करने का काम शुरू कर देते हैं। दरअसल कैसे ही डेसमंड हान होता है, जिसने नेक्सार कंपनी से इस्तीफा दिया था, और अब वह किसी तरह करके इन सारे रोबोट्स को इंसानों से आजाद कराना चाहता है ताकि ये रोबोट्स इंसानों की तरह घूम सकें। खैर कैसलर को भी यह पता लग जाता है कि कोई दूसरी एस्मे बाहर घूम रही है और वह अपनी छोटी सी टीम के साथ यहाँ से निकल जाता है और एस्मे की तरह दिखने वाली सिमुलेंट को पकड़ लेता है। एस्मे की तरह दिखने वाली इस सिमुलेंट को एस्मे के सामने लाया जाता है, जहाँ एस्मे बताती है कि कैसे ने हम दोनों को प्यार करने के लिए बनाया है और हम कैसे से ही प्यार करते हैं। इवान भी अब इंसान की तरह बन चुका है, इसीलिए वापिस से अपनी पत्नी के पास आता है जहाँ वह उससे प्यार करता है। उसकी पत्नी भी उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है, लेकिन उसे इस रोबोट के साथ वो फीलिंग नहीं आती जो उसे अपने पति इवान के साथ आया करती थी, इसीलिए वह खुद से इवान को दूर कर देती है। इवान यहाँ से अपने होटल के कमरे में चला जाता है। कैसलर को भी तब तक कैसे की लोकेशन मिल जाती है और वह अपनी टीम को लेकर कैसे को पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन एस्मे चोरी चुपके कैसे को मैसेज भेज देती है कि उन लोगों को तुम्हारी लोकेशन मिल चुकी है, तुम यहाँ से भाग जाओ। इसलिए कैसे अपने पूरे सिस्टम को शट डाउन कर देता है और जाते समय वह अपने साथ इवान को भी यहाँ से ले जाता है, जहाँ ये दोनों एक कॉटेज के अंदर पहुँच जाते हैं। और जब कैसलर यहाँ पर पहुँचता है तब उसे यहाँ पर कोई नहीं मिलता। कैसलर यहाँ से वापस अपने ऑफिस में जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि हमारे वहाँ पर पहुँचने की जानकारी एस्मे ने कैसे को दी थी और एस्मे के अंदर अभी भी कैसे के लिए फीलिंग है। इसीलिए कैसलर अपनी सहयोगी के साथ मिलकर एस्मे की सारी यादों को डिलीट करवा देता है और एस्मे वहीं पर गिर जाती है। फेबी भी अपने पति इवान से तंग आ जाती है, इसीलिए वह एस के अंदर कॉल करती है और वहां पर बता देती है कि मेरा रोबोट काम करना बंद कर रहा है और वह मेरे साथ अजीब बिहेव कर रहा है, इसलिए मैं चाहती हूं कि आप उस रोबोट को ले जाएं। लेकिन कैसलर को पता चल जाता है कि फे जिस रोबोट की बात कर रही है वह इवान है और इवान कैसे के साथ गया है, इसीलिए कैसलर फे से पूछता है कि इवान इस वक्त कहां पर हो सकता है। तब फे बोलती है कि शहर से बाहर एक कॉटेज है, वो अक्सर अकेला वहाँ पर जाया करता है, इसीलिए कैसलर अकेला ही वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ उसके सामने कैसे आता है। इन दोनों के बीच में छोटी सी फाइट होती है और इस हाथापाई में दो गोलियां चल जाती हैं, जो एक कैसे और एक कैसलर को लग जाती है। और यहाँ पर स्टोरी का मेन पार्ट रिवील होता है। कैसे को गोली लगते ही उसके अंदर से कुछ व्हाइट कलर का लिक्विड बाहर आता है और हमें पता चलता है कि वह एक सिमुलेंट है। कैसलर को भी गोली लगी है, इसीलिए अब वह खुद को इन रोबोट से बचाने के लिए एक जगह पर छुप जाता है। इवान भी कैसलर के पीछे जाता है ताकि वह कैसलर को मार सके। इवान कैसलर से बोलता है कि क्या तुम आत्मा में विश्वास करते हो, मैं बिना आत्मा के हूँ, लोग मुझे हीन समझेंगे, और जब मैं तुम्हारे जैसा था तब मुझे भी ऐसा ही लगता था। कैसलर बोलता है कि अगर तुम मेरी बराबरी करना चाहते हो तो मुझे जिंदा छोड़ दो, क्योंकि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। लेकिन कैसलर को गोली लगी हुई है और उसी की वजह से वह वहीं पर मर जाता है। इवान कैसे के पास जाता है और कैसे का सच पता चल जाता है कि वह भी एक सिमुलेंट है, और तब तक कैसे का मिशन पूरा हो जाता है, क्योंकि उसने नेक्सार कंपनी की आईडी की मदद से सारे रोबोट्स को हैक कर दिया था और उसी वजह से उसने सारे रोबोट्स को आजाद कर दिया था जो इंसानों के गुलाम थे। इवान यहाँ से जाने लगता है, तभी वह देखता है कि यहाँ पर हान आता है, जो पहले नेक्सार कंपनी में काम किया करता था, बाद में उसने रिजाइन दे दिया था। हान यहाँ पर अपने सिमुलेंट कैसे को देखता है और उसे बोलता है कि तुमने अच्छा काम किया, और वह यह कहकर उसे टर्न ऑफ कर देता है। इवान भी यहाँ से अपने घर पर जाता है, जहाँ पर उसकी पत्नी स्विमिंग पूल में नहा रही है, और वह खुद भी स्विमिंग पूल में चला जाता है, जहाँ जाकर वह अपनी पत्नी को पानी में डुबा देता है और उसकी पत्नी वहीं पर मर जाती है। यहाँ से सीधा वह उस कमरे में जाता है जहाँ पर उसकी पत्नी फे का सिमुलेंट रखा हुआ है और वह उसे ऑन कर देता है, और अब सिमुलेंट इवान अपनी सिमुलेंट वाइफ के साथ जीना चाहता है। मूवी के आखिर में हम एक जगह पर देखते हैं जहाँ पर इन रोबोट्स की बोली लगाई जाती है। इन रोबोट्स में एस्मे भी होती है, जिसकी सारी यादों को मिटा दिया गया है। यहाँ पर एस्मे को एक आदमी बहुत बड़ी बोली में खरीद लेता है और उसे एक ट्रक में लेकर जाता है। इस ट्रक के अंदर पहले से ही हान होता है और वह एस्मे को पाकर खुश होता है। हालांकि एस्मे की यादें मिटा दी गई है, लेकिन हान के पास ऐसी टेक्निक है, वह एस्मे की यादों को फिर से लौटा सकता है, क्योंकि हान एस्मे से प्यार करता है। और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर पूरी हो जाती है। आई होप आप सभी को एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। हम आपसे मुलाकात करेंगे और भी लेटेस्ट मूवी के साथ। तब तक खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।